बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। गुरुग्राम के सिकंदरपुर गांव में विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने बाबा साहब की जयंती पर अंबेडकर भवन बनाने का ऐलान किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता सूरज दुहन ने उनसे बातचीत की। बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की तो सिकंदरपुर बड़ा गांव में भी यहां पर बाबा साहब की जो वहां पर प्रतिमा पर विधायक जी यहां पर पहुंचे हैं और सबसे पहले यहां पर एक भंडारे का जो आयोजन किया गया है और यहां पर जो समस्याएं थी कि यहां पर भीम जो अंबेडकर भवन नहीं था वहां पर जो यहां के सत्यप्रकाश जरावता है पटौदी के विधायक है उन्होंने कह दिया कि उनका काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी काफी जगह पर भीमराव अंबेडकर जयंती है धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए इस जयंती मौके पर? देखिए एक उत्सव का माहौल है और जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खाली एक संविधान निर्माता ही नहीं थे, इस देश के भाग्य निर्माता थे। चाहे जितने भाखड़ा डैम की बात हो, रिजर्व बैंक की बात हो, लेबर लॉ की बात हो, महिलाओं के अधिकारों की बात हो, दलित और बैकवर्ड के अधिकारों की बात हो, देश के निर्माण की बात हो, भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की बात हो, इन सब चीज़ों के लिए भारत एक कैसे विशाल विकसित और लोकतांत्रिक देश दुनिया के अंदर एक नंबर पाए, ये परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। यहाँ पर जो इस तरह देखा जाए अनाउंसमेंट की गई है जल्दी से अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल ये जगह हमारे नगर निगम मानेसर की है और यहाँ पर एक ऐसी समाज का एक बाबा साहब की स्मृति में भवन तैयार है तो इसको एक वाटिका के तौर पर एक बेहतरीन जिसमें लाइब्रेरी हो पढ़ बच्चे पढ़ सके इस तरह का इसका भव्य रूप से तैयार किया जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ के जो सरपंच हैं सुंदरलाल यादव मौके पर पहुंचे हैं उनको भी बात करेंगे, साथ इस तरह से जो विधायक ने सौगात दी है कि जल्दी से जो अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के 131वें जन्मदिन की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा पटौदी के इतिहास में अगर हम बात करें एमएलए पटौदी सत्यप्रकाश जरावता जी की तो लगातार नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आज बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष में यहाँ अंबेडकर समिति को इतनी बड़ी सौगात दी है जिसके लिए अंबेडकर समिति और समस्त ग्रामवासी विधायक जी का आभार व्यक्त करते हैं और एक आलिशान हमारा प्रयास रहेगा कि नगर निगम के साथ मिलकर आने वाले इस एक वर्ष में ताकि अगली जयंती पर हम इस समारोह को और बड़े स्तर पर करें तो हमारा जो ये नया ऐतिहासिक अंबेडकर भवन यहाँ बनकर तैयार हो जाए और उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। विधायक जी का आशीर्वाद पहले भी हमारे साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर जो सौगात दी है विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने, क्या कहना चाहेंगे? हम विधायक जी के बहुत बहुत आभारी हैं क्योंकि ये डिमांड समाज की काफ़ी दिनों से चली आ रही है और विधायक जी इस मामले में बहुत ही हमारे ऊपर खुश है कि इन्होंने पहले भी हमने जो भी चीज़ कहा है उन्होंने हमेशा उस चीज़ को एग्री किया है और अब जिस हिसाब से इन्होंने अंबेडकर भवन के लिए कहा है तो हम समाज की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए बिल्कुल जहां पर भी दायित्व सत्यप्रकाश जरावता जाते हैं कुछ ना कुछ नई सौगात वहां पर ग्रामवासियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। आज यहां बाबा साहब जो अंबेडकर जो जयंती मनाई गई है उस पर बड़ी सौगात सिकंदरपुर गाँव वासियों को दी गई है, जल्दी से उस भवन जो अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा और यहाँ पर सौगात देकर काफी खुशी गाँव वालों को देखी जा रही है। कैमरा मैन जो कुमार के साथ मैं सूरज वन खबर फास्ट गुरुग्राम।